नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुशील बिश्नोई फिर आपके साथ में एक नया टॉपिक लेकर। अपन वर्तमान में जो अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं राजस्थान इतिहास के बारे में। राजस्थान इतिहास में जो अपन पढ़ रहे हैं वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बारे में दो तीन किसान आंदोलन अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बाद में अपन पढ़ा था बेंगू किसान आंदोलन, और उसके बाद में जो पंडित नैनू राम शर्मा ने चलाया था बूंदी में किसान आंदोलन। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज जो अपना अध्ययन करेंगे वो करेंगे राजस्थान एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन निमुचना। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा निमुचना किसान आंदोलन। निमुचना किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है दोस्तों। निमुचना में वही दूसरों की बात यहाँ पर भी करों की अधिकता है, दोषपूर्ण कर्म प्रणाली है। इस समय निमुचना जो पूछ ले किसका भाग है, तो निमुचना भाग है दोस्तों अलवर का। पूछ ले निमुचना की वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति। तो दोस्तों निमुचना वर्तमान पूछ ले कहां पर है, तो वर्तमान में निमुचना है अलवर जिले। वर्तमान में निमुचना किस जिले में है, अलवर जिले में। पूछ ले इस समय अलवर शासक, अलवर शासक इस समय दोस्तों अलवर का शासक था जय सिंह। अलवर का शासक कौन है, जय सिंह। पूछ ले कारण क्या है दोस्तों, कारण तो करो मैं वर्दी। सभी आंदोलनों की बात यहां पर भी जो कारण जो प्रमुख है वही है करो में वर्दी। पूछ ले इस स्थान पर जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन कौन है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको। पूछ ले कि नेतृत्व, नेतृत्व देखो नेतृत्व के बारे में आपको याद रखना है। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का पूछे, चाहे बेंगू का पूछे, चाहे बूंदी का पूछे, चाहे निमुचना का पूछे, सबके बारे में क्या आपको याद रखना। पूछ ले यहां पर नेतृत्व करने वाले, तो इस आंदोलन का नेतृत्व करे थे दो राजपूत किसान थे, माधो सिंह और गोविंद सिंह। पूछ ले निमुचना किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है, माधो सिंह और गोविंद सिंह। इन दोनों किसान आंदोलन किसान नेताओं ने क्या इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब यहां पर किसान आंदोलन किसान नेताओं ने इस आंदोलन की जब शुरुआत कर दी, और यह जानकारी जब जय सिंह को लगती है, जय सिंह ने क्या 7 मई 1925 ईस्वी को एक जांच आयोग का गठन किया, जांच आयोग का गठन किया। एक जांच आयोग ने पूछा यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ। जैसे दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि जो बिजोले किसान आंदोलन थे उनकी समस्याओं को आगे प्रकाशित करने का काम किया था प्रताप नामक समाचार पत्र। बेंगू किसान आंदोलन वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तरुण राजस्थान। यहां पर वेरी दोस्तों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एक समाचार पत्र था पुकार, पुकार नामक समाचार पत्र में आंदोलन प्रकाशित। पुकार नामक एक समाचार पत्र या जो पत्रिका जो चलती थी, उस पत्रिका ने क्या है, इस पुकार नामक पत्रिका ने इस आंदोलन के बारे में क्या है लोगों को जागरूक किया और बताया गया कि यह आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। 7 मई को क्या है, आज जांच आयोग गठन होता है उसके 7 दिनों बाद में दोस्तों 14 मई 1925 ईस्वी। याद रखना दोस्तों 14 मई 1925 ईस्वी, जगह है निमुचना। निमुचना अपन पहले पढ़ चुके हैं किसका भाग है, अलवर का। और इस स्थान पर यहां पर आयोजित होती है किसान सभा 14 मई 1925। निमुचना में जब किसान सभा आयोजित होती है तो दोस्तों यहां पर एक आता है पुलिस कमांडर, पुलिस कमांडर का नाम था दोस्तों छाजू सिंह द्वारा गोलीबारी। यहां पर क्या है, ये छाजू सिंह क्या है, शांतिपूर्ण किसानों की सभा आयोजित हो रही थी, लेकिन यहां पर जब गोलीबारी करता है दोस्तों, यहां पर ऐसे के किसानों की मृत्यु हो जाती है जो बिल्कुल निर्दोष थे, केवल अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए एक सभा का आयोजन कर रहे थे। अब यहां पर याद रखना दोस्तों, ये पूछ रहे हैं राजस्थान का डायर, राजस्थान का डायर नाम से किसको संबोधित किया गया, तो इस छाजू सिंह को राजस्थान का डायर कहा जाता है। राजस्थान का डायर, डायर आपको पता हो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर, उसे संबंधित है।
और वैसे के वैसे ये आंदोलन यहाँ पर भी एक शांतिपूर्ण सभा होती है, इस पर गोलीबारी की जाती है, इसलिए इस छाजू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का डायर। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, यहाँ पर जब ये घटना घटित होती है तो पूछ लें महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो अपन जब डायर है तो डायर तो ये क्यों सकता, डायर तो पढ़ ही लिया है, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधी, तो पूछ लें राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है, तो दूसरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है वो कहा गया है निमुचड़ा। कहने वाले कौन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इसको एक और भी नाम लेते हैं, डबल डायरिज्म, दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही। पूछ लें महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी डायर शाही कहा है, तो वो कहा है दोस्तों किसके बारे में, निमुचना किसान आंदोलन। तो ये अपने दोस्तों जो आज अध्ययन किया है वो अध्ययन किया अपने निमुचना किसान आंदोलन। पूछ लें निमुचना वर्तमान में कहा है, अलवर जिले में। शासक कौन था, जय सिंह। कारण क्या था, करो में वर्दी। नेतृत्व करने वाले दो प्रमुख नेता है, माधो सिंह और गोविंद सिंह। 7 मई 1925 को एक जांच आयोग का गठन है, और इस जांच आयोग का गठन पूछ ले करने वाला कौन है, तो जांच आयोग का गठन करने वाला कौन है, जय सिंह। एक पुकार नामक पत्रिका या जो समाचार पत्र चलता था उसने इस आंदोलन को बढ़ावा देने का काम किया, मतलब लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसके 7 दिन बाद 14 मई 1925 जगह थी निमुचना, वर्तमान अलवर है, यहाँ पर एक किसान सभा आयोजित होती है। इस किसान सभा में क्या है, कमांडर था छाजू सिंह और गोलीबारी करेगा जिसमें ए सिंह के किसान लोगों की मृत्यु हो जाती है जो बिल्कुल निर्दोष थे। इसी कारण इसको राजस्थान का डायर नाम से संबोधित किया गया, किसको कहा गया है, छाजू सिंह को। जबकि महात्मा गांधी ने इसी को दो नाम कहा, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी डायर शाही। पूछ लेंगे महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन का है, तो वो कहा है दोस्तों निमुचना किसान आंदोलन। तो निमुचना किसान आंदोलन 1925 ये आज अपने अध्ययन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, साथ लिखते रहिए और जुड़े हुए रहिए। ये अपन आज पढ़ा है निमुचना किसान आंदोलन। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों उसमें अपन करेंगे मेव किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि घर बैठे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों आपको कोई प्रश्न भी है तो साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, अपन उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। धन्यवाद।